हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वास्तु ज्ञान पर आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप 25 मई यानी कल अमावस्या के दिन करेंगे तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, आज हम वास्तु ज्ञान पर आपको बताएंगे कि 25 मई अमावस्या के दिन अगर आप एक सिक्का और सुपारी का ये टोटका अपनाएंगे तो इसके कमाल देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सुपारी का प्रयोग हम पूजा में करते हैं। दोस्तों, सुपारी दो तरह की होती है, एक खाने वाली सुपारी होती है और दूसरी पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती है। कहते हैं कि सुपारी सभी देवताओं को बहुत प्रिय है, खास तौर पर देवी लक्ष्मी और गणेश जी को। दोस्तों, सुपारी का उल्लेख हमें वेदों में मिलता है, जहां ऋग्वेद में बताया गया है कि सुपारी को भगवान गणेश जी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, पुराने समय में लोग भगवान गणेश जी की गाय के गोबर से बनी प्रतिमा की सुपारी के साथ पूजा करते थे। कुछ घरों में आज भी ये परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, आज हम आपको सुपारी से जुड़ा हुआ एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल 25 मई अमावस्या के दिन शनि जयंती है और आप कल शाम के समय इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन शाम के समय एक सुपारी लें, उसे एक सिक्के के साथ कलावे में बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और उसे रखने के बाद पीपल का एक पत्ता तोड़कर घर ले आएं और उसे गंगाजल से धोकर अपनी तिजोरी में रख दें। तिजोरी में रखते समय माँ लक्ष्मी से अपने घर में धन की बरकत की कामना करें। इससे देवी लक्ष्मी की सदैव आप पर कृपा होती है और आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। दोस्तों, इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि पूजा में प्रयोग की जाने वाली सुपारी अपने आप में संपूर्ण होनी चाहिए, ये कहीं से भी खंडित ना हो, वरना इससे आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि 25 मई अमावस्या के दिन यानी कि शनि जयंती को अगर आप एक सिक्का और सुपारी का ये प्रयोग करेंगे तो आप पर देवी लक्ष्मी और शनि देव की सदैव कृपा बनी रहेगी, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।